नमस्कार दोस्तों, NDTV स्पोर्ट्स YouTube में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे 2023 वर्ल्ड कप अपने आगाज की ओर बढ़ रहा है और हम भी उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं समय के साथ। और इस दौरान और वर्ल्ड कप के दिनों में भी हम आपके लिए लगातार अहम वीडियो लेकर आते रहेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व कप के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच। जी हाँ, सबसे रोमांचक मैच। अगर विश्व कप टूर्नामेंट की बात करें तो इसका आगाज 1975 में हुआ था और 1975 से लेके अब तक वर्तमान साल तक करीब 48 साल हो चुके हैं और इस दौरान एक से बढ़कर एक मुकाबले खेले गए। लेकिन एक मुकाबला ऐसा रहा जिसके बारे में फ्रेंड्स जब जब याद करते हैं, जब जब इस मैच की तस्वीरें उनके जहन में आती हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यह मैच खेला गया था, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, यह पिछला ही वर्ल्ड कप था और यह 2019 के विश्व कप का फाइनल था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। लेकिन इस मैच में जो कुछ हुआ उसने करोड़ों क्रिकेट फैंस को अचंभित कर दिया। क्रिकेट पंडित हैरान रह गए और एक ऐसा मुकाबला और ऐसी बातें निकल कर आईं जिसने क्रिकेट पर बड़ा असर छोड़ा। और इसी मैच के हम पांच फैक्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। हम बारी बारी से बताएंगे आपको कि इस मैच में क्या हुआ। तो बात करते हैं पहले फैक्ट्स के बारे में। जो बड़ी बात रही, मेगा मुकाबला था, बड़ा रोमांचकारी मुकाबला हुआ और यह मुकाबला टाई हो गया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करी और 241 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी अच्छा लोहा लिया। बेन स्टोक्स ने एक अच्छी 84 रन की पारी खेली। लेकिन हुआ यह कि आखिरी जब ओवर पहुंचा तो इंग्लैंड को जीत के लिए 15 रन बनाने थे। बॉलिंग कर रहे थे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक बोल्ट, लेफ्टी पेसर, और सामने थे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने उनके जब इस ओवर में दो लगातार छक्के जड़े तो लगा कहानी एकदम ख़त्म हो गई। इंग्लैंड के लिए टाइटल सिर्फ एक औपचारिकता भर बचा है क्योंकि आखिरी दो गेंद बची थी और इंग्लैंड को जीत के लिए बनाने थे सिर्फ 2 रन। लेकिन यहाँ से एक ऐसी तस्वीर पलटी कि बाजी इंग्लैंड के हाथ से निकली तो नहीं, लेकिन मैच जरूर टाई हो गया। और हुआ यह कि बोल्ट की चौथी गेंद पर आदिल रशीद रन आउट हो गए और आखिरी गेंद पर पेसर, जब 2 रन चाहिए थे तो आखिरी गेंद पर पेसर मारकूड रन आउट हो गए और मुकाबला टाई हो गया। जी हाँ, मुकाबला टाई हो गया। दर्शक रोमांचित हो गए, सभी अपनी सीटों से खड़े थे और मामला अब सुपर ओवर में चला गया था। तो चलिए इस मैच से जुड़े दूसरे फैक्ट्स की बात करते हैं, यानी सुपर ओवर की बात करते हैं। टाई हुआ था, इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा कर रहा था तो जाहिर था कि इस नियम के अनुसार इंग्लैंड ने सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करी और बैटिंग के लिए उतरे बेन स्टोक्स और जोस बटलर और इन्होंने सुपर ओवर में बना दिए 15 रन। जी हाँ, इन्होंने 15 रन बनाए, अच्छा स्कोर कहा जा सकता है दबाव बनाने के लिए। और न्यूजीलैंड की तरफ से स्कोर का पीछा करने के लिए उतरे मार्टिन गप्टिल और जेम्स नीशम। नीशम ने अच्छी बल्लेबाजी करी, 5 गेंद उनके हिस्से में आई खेलने के लिए और उन्होंने 5 गेंद पर लगभग अपना काम कर दिया। एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, लेकिन जब आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने थे न्यूजीलैंड को तो मार्टिन गप्टिल रन आउट हो गए। जी हाँ, मार्टिन गप्टिल रन आउट हो गए और सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई हो गया। तमाम दर्शकों में रोमांच भर गया, मीडिया कर्मी भी हैरान थे ज्यादातर जब जो मैच कवर कर रहे थे कि अब यहाँ से क्या होगा। और यहाँ से वह हुआ जिसने क्रिकेट पर एक बड़ा असर छोड़ा। इस तीसरे फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि नया नियम आया था, बाउंड्री काउंट नियम। हम बात कर रहे हैं तीसरे फैक्ट की। यहाँ से जो बात शुरू हुई, कहानी शुरू हुई, वो बाउंड्री काउंट नियम की हुई। जी हाँ, नियम यह था कि अगर सुपर ओवर से अलग निर्धारित मैच में यानी 50 ओवर के मुकाबले में जिस भी टीम के खाते में बाउंड्री की संख्या ज़्यादा होगी चौकों और छक्कों को मिलाकर, वही टीम जीतेगी। एक बार फिर बता दें कि 2019 के वर्ल्ड कप में जब सुपर ओवर में भी मुकाबला टाई हो गया तो फिर बाउंड्री काउंट नियम आया और नियम यह था कि सुपर ओवर में मुकाबला टाई होने पर
जिस भी टीम के जो निर्धारित समय में मैच हुआ था, निर्धारित समय में जिस भी टीम की बाउंड्रियां ज़्यादा होंगी चौके और छक्कों को मिलाकर, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाएगा। कैसे परिणाम निकला बाउंड्री काउंट नियम से? जब सुपर ओवर में भी टाई हो गया तो बाउंड्रियों की संख्या गिनी गई और इसके तहत जो थी वो इंग्लैंड ने 24 बाउंड्रियां बटोरी थी निर्धारित 50 ओवर के मुकाबले में। सुपर ओवर से, सुपर ओवर को अलग रखकर बात करें तो इंग्लैंड टीम ने 24 बाउंड्रियां जड़ दी थी 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, जिसमें 24 चौके थे और 2 छक्के थे। लेकिन न्यूजीलैंड मात खा गया क्योंकि उसके बल्लेबाजों ने 17 ही बाउंड्रियां बल्ले से निकाली थी निर्धारित 50 ओवर के मुकाबले में। इसमें 14 चौके थे और 3 छक्के थे। जी हाँ, कीवी बल्लेबाजों ने 17 बाउंड्रियां निकाली थी इंग्लैंड की 24 बाउंड्रियों की तुलना में। इसमें उन्होंने 14 जो है चौके जड़े थे और 3 छक्के जड़े थे। और हुआ यह है कि बाउंड्रियों की संख्या के आधार पर इंग्लैंड विश्व चैंपियन बन गया। इंग्लैंड विश्व चैंपियन तो बन गया, लेकिन दुनिया भर के क्रिकेट फैन हैरान रह गए, पंडित हैरान रह गए। सबने रूल बुक को निकाल कर पलटना शुरू कर दिया, पन्ने पलटने शुरू कर दिए कि आखिर ये कैसा नियम था, आखिर ये न्यूजीलैंड के साथ ऐसा बर्ताव कैसे हुआ, किस आधार पर ये नियम बनाया, किसने ये नियम बनाया। तमाम पंडित ने जी पानी पी पी कर इस नियम को कोसा, ICC को कोसा, लेकिन इंग्लैंड वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुका था। चलिए, हमने आपको 48 साल के वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबले के 4 फैक्ट्स, 4 तथ्यों से आपको अवगत करा दिया है। और पांचवा जो तथ्य रहा इस मैच का वो यह था कि अगर ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, जो अपना इस साल संन्यास तोड़कर इस विश्व कप में वापसी कर रहे हैं, संस्करण में वापसी कर रहे हैं, अगर वो 98 गेंदों पर 84 रन नहीं बनाते तो शायद इंग्लैंड यह वर्ल्ड कप खिताब भी नहीं जीत पाता। जी हाँ, यह 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल और पिछले 48 साल के विश्व कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबले का एक बड़ा फैक्ट है, बड़ा तथ्य है, जिसमें बेन स्टोक्स ने 84 रन बनाए और यह उनकी 84 पारी कई कारणों में एक बड़ा कारण रही जिससे इंग्लैंड विश्व चैंपियन बन गया। तो आज इतना ही। हम आपके लिए वर्ल्ड कप के दौरान लगातार महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आते रहेंगे, महत्वपूर्ण बातें बताते रहेंगे। आप देखते रहिए NDTV स्पोर्ट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए।